जब से ये आई है लोगों को फ़ायदा ही हुआ, स्पेशली टूरिस्ट। इसमें फायर ब्रिगेड का पंप भी है, मैंने वो इसमें रखा हुआ है। तो मैंने बहुत सारे हाउस बोटों को यहाँ पे सेव किया है। कोविड पॉजिटिव आने के बाद श्रीनगर के हाउसबोट मालिक तारिक अहमद पटलू ने फ्लोटिंग एम्बुलेंस के बारे में सोचा। उसके बाद से उनका कहना है कि 2022 में उन्होंने 100 से 150 तक बीमार टूरिस्टों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया है। इससे पहले यहां पे कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, जो ये एम्बुलेंस मैंने जो बनाई है इससे पहले नहीं थी। जब से ये आई है लोगों को फायदा ही हुआ, स्पेशली टूरिस्टों को। इसके साथ साथ जहाँ पे आग लगी थी, जैसी मैंने इसको आपको इससे पहले भी बताया था, मुझे यहाँ इसमें फायर ब्रिगेड का पंप भी है, मैंने वो इसमें रखा हुआ है। तो मैंने बहुत सारे हाउस बोटों को यहाँ पे सेव किया है। हमारे नेबर में कुछ एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम, तकरीबन वहाँ पे 2 हाउस बोट जल गए, वहाँ पे 5 जल, अगर मैं नहीं पहुँचता वहाँ पे 5 हाउस बोट जलते। तो मैंने उस हाउस बोट को भी सेव किया। और जैसे ही मुझे रात के टाइम कभी भी फ़ोन आता है तो मैं तुरंत निकलता हूँ। स्पेशली ये टूरिस्ट जितने भी हैं, बिकॉज उनको नहीं पता है कि हमें क्या करना है। जब वो बीमार होते हैं उनको नहीं पता है, वो बेचारे परेशान होते हैं रात के टाइम में हम कहाँ जाएँ। जब वो बाहर हाउस बोट से बाहर निकलते हैं, अंधेरा सारा होता है, तो वो परेशान होते हैं कि हम कैसे जाएँ। फिर उनको समझाते हैं यहाँ पर हाउस बोट जो भी वहाँ पर काम करते हैं कि भाई हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे है, वो उसको इन्फॉर्म करेंगे तो वो तुरंत आए। तो मैं जैसे ही मुझे फ़ोन आता है मैं तुरंत जाता हूँ। मैंने बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उनको मैंने रेस्क्यू किया है, यहाँ से पार पहुँचाया है, यहाँ से वहाँ से फिर दूसरे एम्बुलेंस को मैंने बुलाया है। तकरीबन 100-150 टूरिस्टों को अभी तक रेस्क्यू किया होगा, और लोकल्स को भी, बहुत सारे लोकल्स हैं उनको भी मैंने यहाँ से हेल्प की। अब पहली ये बात है कि जो शिकारा वाली, और उन लोगों ने एक पॉइंट ये भी बना दिया है कि हम आपको एम्बुलेंस दिखाएंगे। जैसे शिकारा में दिखाते हैं उनको, हम इतने पॉइंट्स दिखाते हैं, उसमें ये पॉइंट भी अब ऐड किया हुआ है, एम्बुलेंस पॉइंट। और लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे, और बहुत खुश होते हैं जब ये देखते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस है, वाटर एम्बुलेंस है। और मैंने इससे पहले बताया कि मैंने बहुत सारे यहाँ से इस साल भी बहुत सारे टूर्स आए, और स्पेशली अभी आप देखिए कितना रश है। जैसे यहाँ पे रश बढ़ता है तो टूर्स और आते हैं, और शुक्र है अल्लाह का कि ज़्यादा बीमार लोग नहीं पड़े, तो ये अच्छी बात है। मगर जो भी यहाँ पे है मैं उनको जाता हूँ, मैं उनको रेस्क्यू करता हूँ। इसमें मैंने एक पेशेंट मॉनिटर भी रखा है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी रखा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हैं, इसके अंदर मेरा फर्स्ट एड भी है, इसके अंदर मेरा व्हील चेयर है, आपका स्ट्रेचर है, और एक फायर ब्रिगेड पंप भी है। देखिए जैसे उस रात हम जागे हुए थे, क्योंकि एक हाउस बोट डूबा था, मैंने अपना पंप लिया था वहाँ पे, हमने उसको डिवाटरिंग की, वहाँ पे पानी निकाला उस हाउस बोट को। तब हम 5 बजे हम फारिग हुए, हमने उस बोट को रेस्क्यू किया। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं आया, मुझे अब सोने के लिए निकला था। जब भी मैं बेड पे पहुँचा तो मुझे पीछे से कॉल आई, आग लगी है। जैसे ही मैं वहाँ पे आया मैंने दौड़ लगाई और मैं इसमें चला गया, मैंने कज़न को भी बता दिया आग लगी है। मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि कहाँ पे लगी, इतना फास्ट था मैं तुरंत पहुँचा वहाँ पे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वहाँ पे वो आग बहुत ज़ोर की लगी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उस हाउस बोट को बुझाने की कोशिश नहीं की जो जला हुआ था, जो उसके साथ दूसरा बोट था मैंने उसी को रेस्क्यू किया, क्योंकि उसका इतना जो फ्लेम था, उसका जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बोट भी जल जाता उस टाइम, अगर मैं उस बोट को नहीं बचाता। उसके साथ साथ तकरीबन 3 हाउस बोट थे, उसमें एक हाउस बोट है मुगल शेल्टर, वो सबसे महंगा बोट है यहाँ पे, उसको भी मैंने सेव किया था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ की जो आर्मी है जो डल्ले के अंदर, वो भी कोशिश की कि उसको निकालने की वहाँ से दूसरी जगह पे, मगर वो निकली नहीं। उसको कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे, कोई रस्सी फंसी हुई थी तो वो नहीं निकला। तो खुदा ना खास्ता अगर
और हाउस बोट चलते, तो वो तकरीबन वो मुगल शेल्टन भी, कॉस्मो भी या इजिप्ट भी, वो तीन हाउस बोट थे वो सारे जल जाते। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसका बड़ा फ़ायदा लोगों को मिल रहा है और आगे जाके और भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए यही मैसेज है कि कश्मीर सेफ, आप आइए, हम आपकी खदमत में लगे ही हैं। अगर आप लोग बीमार पड़े हैं कुछ है, मैं रात के टाइम भी किसी भी टाइम आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।